यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। टू एक्सेलरेट ए कार वी इग्नाइट पेट्रोल इन द इंजन ऑफ द कार सिंस ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल, दिस इज द एनालॉगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इनटू टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। याद रखना ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, उसके जैसा है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमने न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ दो यूज करे है ना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर सेंट्रो मास को एक्सेलरेट करना है तो हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर सकता है ना, यही तो कह रहा है ना। सिंस ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंट्रो मास, इज इट प्रॉपर टू से दैट द फोर्स जनरेटेड बाय इंजन एक्सेलरेट्स द कार? आंसर इज नो। पर तुम कहोगे सर होता तो यही है, जब कार चला रहे हो, जब तुम गैस है ना एक्सेलरेशन को ज्यादा दबाते हो, एक्सेलरेटर को ज्यादा दबाने से होता क्या है, जब ऐसे प्रेस करते हैं जितना ज्यादा दबाते हो उतना ज्यादा फ्यूल इंजन में जाता है, और हमको पता है जब ज्यादा फ्यूल इंजन में जाता है तो स्पीड ज्यादा रेट से बढ़ती है, मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, द फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन एक्सेलरेट्स द कार है ना। तो देखो इनडायरेक्टली ये सही है पर डायरेक्टली ये सही नहीं है, तो असलियत में क्या हो रहा है वो समझते हैं ना। तो कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है यार इंजन में ज्यादा पेट्रोल गया, वो तो सब इंटरनल सिस्टम है ना, इंटरनल सिस्टम तो एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, पर अल्टीमेटली तो आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, वो समझते हैं ना। तो देखो होता क्या है, जब तुमने गैस को ज्यादा दबाया, एक्सेलरेटर को ज्यादा दबाया, ज्यादा पेट्रोल गया है ना इंजन में, ज्यादा पेट्रोल गया तो वो जो सिलेंडर, जो भी तुम्हारी साइकिल होती है फोर स्ट्रोक है ना, वो ज्यादा स्पीड से ऊपर नीचे हुए तो पहिए ज्यादा स्पीड से घूमने लगे, मतलब टॉर्क आया, समझो फोर्स नहीं टॉर्क आया। इंजन में जब तुम ज्यादा पेट्रोल डाल रहे हो तो ज्यादा टॉर्क आया, ज्यादा टॉर्क आया पहिया, मतलब ज्यादा अल्फा से घूमने की कोशिश कर रहा है, और जब वो घूमने की कोशिश कर रहा है तो वो धरती को, जमीन पे, जिस जमीन पे टायर है, याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन पे चलता है पूरा का पूरा सिस्टम, अगर ये चीज नहीं पता तो रोटेशनल पढ़ना पड़ेगा, रोटेशन में जब रोलिंग पढ़ोगे तब समझ आएगा पूरा सिस्टम स्टैटिक फ्रिक्शन पे चलता है। तो पहिए को, जो पीछे वाले पहिए पे इंजन लगा होता है ना, वो पहिए को ज्यादा स्पीड से घुमाने, ज्यादा अल्फा से घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो पहिया ज्यादा फोर्स से धरती को पीछे फेंक रहा है, तो धरती ज्यादा फोर्स से पहिए को आगे फेंक रही है, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कारण आ रहा है ना। तो इनडायरेक्टली पेट्रोल का रोल है पर डायरेक्टली नहीं। पेट्रोल ने क्या करा, पेट्रोल के जाने से, इंजन में जाने से टॉर्क बढ़ा, टॉर्क से पहिया ज्यादा स्पीड में घूमना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, पहिया पर घूम नहीं सकता क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, जो कार के टायर हैं और रोड है उसके बीच में स्लिपिंग नहीं होती है ना, टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है। अगर तुमने रोटेशन में रोलिंग नहीं पढ़ा तो ये वाली बात अभी समझ में नहीं आएगी, पर जब तुम उसे अच्छे से पढ़ लोगे तुम्हें ये वाली बात समझ में आ जाएगी, वो रेस्ट पे होता है ना। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है इनडायरेक्टली, तो कार में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण आ रहा है वो एक्सेलरेशन है ना। तो ये इनडायरेक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल बट डायरेक्टली इट इज नॉट। इनडायरेक्टली यस द पेट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल, इनडायरेक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली पेट्रोल से फोर्स नहीं आया, फोर्स तो ग्राउंड से आया है, फोर्स तो ग्राउंड लगा है, जब कार चलती है ना तो कार को ग्राउंड रोक रहा है और ग्राउंड ही चलवाता है उसे, ग्राउंड पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ठीक है।